नमस्कार, चर्चा के नव अंक लग पुनः उपस्थित छी, हम कमलेंद्र झा। चर्चा में हम सब आई नजर देव तमिलनाडु के हैंडीक्राफ्ट्स पर, टैप टॉप के बाजार में एंट्री, और ओकरा बाद झारखंड में आदिवासी सब डोमिसाइल के लकर धरना और प्रदर्शन कर रहा है, तो पर एक रिपोर्ट। आ अंत में छठ पर्व पर आतंकी हमला के खतरा, जे आईबी के रिपोर्ट आयल हन, पर एक रिपोर्ट देखब। तो आओ चर्चा के शुरुआत करें तमिलनाडु के हस्तशिल्प मेला से। राजीव गांधी शिल्प भवन में अखन चल रहा है एक प्रदर्शनी। अ प्रदर्शनी में तमिलनाडु के क्राफ्ट सब राखल गेल है। एत तमिलनाडु राज्य के शिल्पकार द्वारा बनाओल गेल अनेकों तरहक वस्तु सब उपलब्ध है। वो चाहे लट्टू हो, मछली हो, हाथी, घोड़ा या फिर झुंझुना, हर तरहक सामान उपलब्ध है। बहुत तरहक स्टॉल लागल है प्रदर्शनी में। कहीं मिट्टी के सामान लोग सब के अपना तरफ आकर्षित कर रहा है, तो कतो नक्काशी वाला पलंग। आई प्रदर्शनी के बहुत लोग देखे लेल आबि रहल छथि। सरकार के तरफ से एम फारूकी मेला में मौजूद छला। हुनका ई मेला आ एतो के सामान सब बहुत पसंद एलन। ओ पूरा प्रदर्शनी के बारीकी से जायजा लेला के बाद हमरा से बात करत बजला। नहीं, बहुत अच्छे नमूने हैं यहाँ पे तमिलनाडु की शिल्पकला के, और बहुत तमिलनाडु सरकार और भारत सरकार इनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न कर रही है, बहुत सारी स्कीमें चला रही है। एंड आई थिंक वी होप दैट द पीपल विल विजिट दीज एग्जीबिशंस एंड दे विल पेट्रनाइज। पर्यावरण तो बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। पर्यावरण तो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, पानी से जुड़ा हुआ है, हवा से जुड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें जो हैं ट्रेडिशनल नॉलेज से जुड़ा हुआ है, और ये सब चीज़ें जो हैं ये उसी का प्रतीक हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिणी राज्य है। दक्षिण भारत में पूजा पाठ आ भगवान के प्रति आस्था ज्यादा देखल जाते हैं। ओकर झलक अहूठाम प्रदर्शनी में देखल गेल। एत भगवान वेंकटेश, गणेश जी, कार्तिक, भगवान कृष्ण, नटराज और विष्णु जी के मूर्ति सब प्रदर्शनी में राखल गेल। आप देखू अ शिल्पकार के जे कोना अपन छेनी हथौड़ी लो ठुक 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 क क अ मूर्ति के निर्माण क रहल है। एत ओ कहावत याद पड़ जात जे सौ सोनार के एक लोहार के, केहन बढ़िया ई धीरे धीरे अ हथौड़ी से और छेनी से अ मूर्ति के रूप दौ रहा है। भगवान सबक एहन अमूल्य मूर्ति आ फोटो फ्रेमक संग एत भेट सकत है। हिनक सबक मेहनत आ श्रद्धा निश्चित रूपेण लोग के पसंद आयत, आ ओ लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी से हो करता। संगे अ सब तरहक आयोजन हमरा सब के अपन कला आ संस्कृति के अनमोल बनाबत है। अगर नेक्स्ट जनरेशन इस आर्ट को नहीं लेंगे तो कैसा हो जा, 50 कितना 5000 ईयर्स हमारे ट्रेडिशन होगा, सडनली एक वर्ष में सब 10 साल में चले जाएगा। इसलिए हमको गवर्नमेंट सरकार और हम सब इसको बहुत एनकरेज कर रहे हैं। नया जनरेशन के लिए ये एक अमूल्य मेला है। अहि में अपन पूर्वज के काम काज और संस्कृति के बारे में सीखे के पूरा मौका भेटे थे। हैंडीक्राफ्ट हमारी बहुत प्रायोरिटी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, और हम गवर्नमेंट की हमारी इतनी सारी स्कीम्स हैं वो आर्टिजन के वेलफेयर के लिए ही है। हम मार्केटिंग फैसिलिटी देते हैं जहां आर्टिजन आकर अपने प्रोडक्ट्स बेच सके। हम डिज़ाइन के काफ़ी वर्कशॉप करते हैं जिससे नए नए डिज़ाइन डेवलप हो सके। हम स्किल अपग्रेडेशन के प्रोग्राम्स चलाते हैं जिससे कभी कभी स्किल्स की जो कमी है वो मिट सके। तो ये सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं आर्टिजन के वेलफेयर। हम एक इंश्योरेंस स्कीम चलाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें 80% इंश्योरेंस हम देते हैं। तो ये सभी हम प्रोग्राम्स आर्टिजन के वेलफेयर के लिए ही चलाते हैं। भले ही ये सब सामानक दाम ज़्यादा हुआ, मुदा अ के पाछू के मेहनत यदि देखल जाए तो ओ कोनो कम नहीं है, और अ सब तरह क्राफ्ट के बढ़ावा मिलवाक चाहिए। भारतीय कला और संस्कृति के जीवंत करते ई मेला लोग सब के अपना तरफ आकर्षित कर रहा है।
वक्त भ रहल एक विराम के, विरामक बाद चर्चा जारी है।